राहुल गांधी ने अपना सरकारी आवास लगभग खाली कर दिया है। इसको लेकर उनके घर पर ट्रक पहुंचे, जो कि उनका सामान लेकर जा रहे हैं। गांधी को संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद हाउस कमेटी ने आवास खाली करने का नोटिस दिया था। अब तस्वीरों में जाता दिखाई दे रहा ये ट्रक राहुल गांधी का ही सामान ले जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी को मिला सरकारी बंगला भी खाली करने का नोटिस दिया गया था। लोकसभा सचिवालय ने उन्हें आवंटित 12 तुगलक लेन वाले बंगले को 22 अप्रैल तक खाली करने का नोटिस दिया था। हालांकि पूर्व कांग्रेसी सांसद ने इससे पहले ही बंगला खाली कर दिया। राहुल गांधी दिल्ली के लुटियन जोन स्थित 12 तुगलक रोड पर सरकारी आवास में 2005 से ही रह रहे थे। हाउस कमेटी ने 27 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस दिया था कि वो एक महीने में अपना घर खाली कर दें। इस पर उन्होंने लोकसभा सेक्रेटरी को लेटर लिखकर कहा था वो लोकसभा में पिछले 4 बार से चुने हुए सदस्य के कारण काफी समय यहाँ पर बिता चुके हैं। इसको लेकर मेरे पास काफी अच्छी यादें हैं। हालांकि आपने जो भी कहा है मैं उसका पालन करूंगा। उधर राहुल गांधी के आवास खाली करने के नोटिस पर राजनीति भी काफी देखने को मिली थी। कांग्रेस की तरफ से मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान भी शुरू किया गया था, जहां तमाम कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को अपना घर देने की पेशकश की थी। इसके साथ ही केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरा घर 50 बार सीज करो, लेकिन मैं वायनाड की जनता के मुद्दे उठाता रहूंगा। आप लोगों को जितना भी डराने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा। हम किसी भी धमकी से डरते नहीं हैं।